पिछले 5 सालों में चाहे सरकार बदली हो या ना बदली हो, जीरकपुर की रोड की कंडीशन बहुत ही खराब है। बारिश के समय रोड के गड्ढों में पानी भर जाता है और जीरकपुर के पुअर ड्रेनेज सिस्टम स्थिति को और भी खराब करता है। पंजाब के मोहाली जिले की सड़कों की स्थिति काफी खराब है और इसमें जीरकपुर की सड़कें भी शामिल है। जीरकपुर की सड़कें चंडीगढ़ से एयरपोर्ट तक जाती है, लेकिन इस सड़क पर बहुत सारे गड्ढे हैं। इस हालत की वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और रोड सेफ्टी पर भी सवाल उठता है। ये स्थिति सिर्फ परेशानी का सोर्स नहीं है, बल्कि लोगों की सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न करती है। अभी 1.5 साल बाद काम शुरू हुआ था, वो बीच में ठप हो गया और ये रोड आगे तक डीपीएस के आगे तक जो वीआईपी रोड है वहाँ तक सारी की सारी टूटी हुई है। ये वीआईपी लिंक रोड है जो है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बरसातों में। लास्ट ईयर भी बहुत प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे पानी भर जाता है बहुत। पंजाब पुलिस के एक्सीडेंट एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक जीरकपुर के रास्ते पे सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं, उसके बाद डेराबस्सी, फिर सोहाना और फिर लाद। रिपोर्ट में कहा गया है कि जीरकपुर में 15%, डेराबस्सी में 14%, सोहाना में 13% और लारू में 11% हादसे होते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि रास्ते खराब हैं, हाईवेज पे इलीगल कट्स हैं और ट्रैफिक मिसमैनेज्ड है। यहाँ की रोड की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। डिलीवरी भी टाइम पे नहीं हो पाती है और बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि पानी भर के खड़ा हो जाता है और रास्ते में रोड भी बहुत खराब है, गड्ढे ज़्यादा हो रखे हैं। सरकार ने हमेशा सड़कों के विकास की दिशा में कदम उठाने का दावा किया है। वे संकेत देते हैं कि उनका संकल्प है सड़कों की स्थिति को सुधारना और लोगों को बेहतर सुविधा देना। सरकार ने नई योजना का उद्घाटन किया है ताकि सड़कों की सुरक्षा और सुविधाओं में वृद्धि की जा सके। पुरानी सरकारों ने कोई सीवरेज नहीं, कोई उनकी व्योमबंदी नहीं की, कोई रोड के नक्शे नहीं बनाए, ऐसी अबड़ खबड़ सारा करके रख दिया। और मेरी जब से मान साहब की सरकार, आपकी सरकार पंजाब में आई है, हमने प्रायोरिटी पे लिया है कि सबसे पहले पीने वाला पानी लोगों को दिया जाए, सेहत सहूलतें दी जाएं, हॉस्पिटल अच्छे किए जाएं, सड़कें अच्छी की जाएं। प्रशासन का कहना है कि जीरकपुर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं और रोड की कंडीशन भी ठीक हो रही है, पर लोगों की बातें कुछ और ही हाल बता रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि सरकार चाहे पुरानी हो या नई, रोड की कंडीशन आज भी वही है। अब सवाल ये उठता है, क्या जीरकपुर भी चंडीगढ़ की तरह प्लांट बनेगा? क्या जीरकपुर में भी अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे? चितकारा न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तनिष के साथ मैं निकिता दिवारी।